सैमसंग के इस तरह के फ़ोन में कोई नंबर किस तरह से ब्लॉक या अनब्लॉक किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे ग्रीन बटन दबा के ऑल लॉक में। ऑल लॉक में जाने के बाद कोई भी नंबर चुन लेंगे जिसे हमें ब्लॉक करना है। ऑप्शन दबा के जाएंगे लास्ट ऑप्शन में। लास्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसमें से ऐड टू रिजेक्ट लिस्ट ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये होने के बाद अब वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में जा चुका है। इस नंबर को चेक करने के लिए जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें से कॉल के ऑप्शन में जाएंगे। कॉल के ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहला ऑल कॉल्स में जाएंगे। एक ऑप्शन जो यहाँ पे ऑटो रिजेक्ट करके, ऑटो रिजेक्ट में जाएंगे और नीचे रिजेक्ट लिस्ट है, रिजेक्ट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे अभी जो हमने नंबर ब्लॉक किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मुजीब करके है यहाँ पे इनका नंबर। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए वापस ऑप्शन दबाएंगे और डिलीट कर देंगे। यस, तो आप देख सकते हो इस लिस्ट में से मुजीब जी का नाम गायब हो चुका है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को ब्लॉक या अनब्लॉक किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,